आपको हैरानी में डाल सकती हैं सूरज से जुड़ी ये रोचक और मजेदार बातें। जानिए, सुबह सुबह उगने वाला सूरज और शाम को ढलने वाला सूरज यह देखने में इतना प्यारा लगता है कि बस मन करता है कि आप इसे ही देखते रहो। यह दृश्य इतना ज्यादा प्यारा होता है कि आँखों को ठंडक पहुँचाता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि सूरज उतना ही तपन देने वाला होता है और उसकी तपन इतनी ज्यादा होती है कि वे व्यक्ति को आसानी से झुलसा सकती है। तो आइए आज हम आपको इस आर्टिकल में सूरज से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातों के बारे में बताएं कि जिनको सुनकर आपको शायद विश्वास नहीं होगा। चाहे दिन हो या रात, आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो सूरज द्वारा छोड़े गए 10,00,000 न्यूट्रॉन आपके शरीर से उस समय गुजर रहे होते हैं। आपको बता दें कि अगर एक सूरज साइज फुटबॉल जितना कर दिया जाए और बृहस्पति का एक छोटी सी गेंद जितना कर दिया जाए तो उसके आगे धरती का साइज एक मटर के जितना होगा। सूर्यमंडल का 99.24 वजन सूरज का होता है। आपको बता दें कि सूरज की रोशनी को धरती पर आने के लिए 8 मिनट 17 सेकेंड लगते हैं। अगर आप मान ले कि आप सूरज की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकेंड रखनी होगी। सूरज के बाहरी सतह का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अंदरूनी सतह का तापमान 1,30,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बता दें कि बचकर 1 सेकेंड के मुताबिक सूरज का वजन भी 50,00,000 टन कम होता चला जाता है। जब से सूरज का जन्म हुआ है उसके बाद से उसने 20 बार ही आकाशगंगा का चक्कर काटा है। इसे एक चक्कर काटने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्य एक प्रकार की गैस का गोला होता है। यह 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियोन से बना है।